ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो सुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम महाप्रभु की बाल लीलाओं का श्रवण करे हैं। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ऑल ग्लोरी टू द लोटस आइड लॉर्ड गौरचंद्र महाप्रभु की जय जयकार हो जिनके कमल जैसे नेत्र हैं। ऑल ग्लोरी टू योर डिवोटीज हु आर फिल्ड विद प्योर लव ऑफ गॉड उनके आपके भक्तों की जय जयकार हो जिनके अंदर भगवान का प्रेम है। ओ माई लॉर्ड प्लीज कास्ट योर ग्लांस ऑफ कॉजलेस मर्सी ऑन। ओ मेरे प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे डालिए सो दैट माई माइंड में वर्शिप यू डे एंड नाइट ताकि मेरा मन रात दिन आपकी उपासना कर सके। इन दिस वे श्री गौरचंद्र एडवेंटेड एंड हैप्पीनेस इन द हाउस ऑफ सची इंक्रीज डे बाय डे। इस प्रकार महाप्रभु का प्रकट हुआ और जो खुशी जो थी सची माता घर में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। सीइंग देयर सन ब्यूटिफुल फेस द ब्राह्मण कपल कॉन्स्टेंटली फ्लोटेड इन एन ओशन ऑफ ब्लिस। अपने पुत्र के सुंदर मुख को देखने से वो ब्राह्मण दंपति की जो खुशी थी आनंद वो बढ़ता ही गया। When the most merciful Vishwarup would see his brother, the reservoir of pleasure, he would smile and take him on his lap. जो सर्वशक्तिमान विश्वरूप हैं जब वो अपने भाई के मुख के दर्शन करते थे जो आनंद के समुद्र हैं तो वो मुस्कुराते थे और उनको अपनी गोद में बिठाते थे। All the relatives and friends of the Lord's family would gather around the child both day and night. सारे रिश्तेदार और मित्र जो थे प्रभु के परिवार के इकट्ठे होते थे बच्चे के आस पास बैठे थे रात और दिन। Some would recite mantras invoking Lord Vishnu's protection. कुछ लोग जो था मंत्रों का उच्चारण करते थे विष्णु की रक्षा के लिए। And some would recite mantras invoking गॉडेस दुर्गा प्रोटेक्शन। और कुछ मंत्र उच्चारण करते माँ दुर्गा के प्रति कि पुत्र की रक्षा करो यानी महाप्रभु की रक्षा करो। अदर्स वुड चैंट मंत्र बाय सर्कम्पलेटिंग द हाउस। और कुछ जो थे मंत्र का उच्चारण करते जब वो घर की परिक्रमा करते थे। व्हेनेवर द लोटस आईड लॉर्ड क्राइड ही वुड स्टॉप ओनली अपॉन हियरिंग द चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ हरी। जब भी कमल नेत्र वाले प्रभु रोते थे यानी महाप्रभु रोते थे वो तभी उनका रोना बंद होता था जब वो हरि नाम की ध्वनि अपने कानों से सुनते थे। एज एवरी वन केम टू अंडरस्टैंड दिस ग्रेट मिस्ट्री इस रहस्य को जब लोगों को पता चला कि अगर बच्चे को चुप कराना है तो हरि नाम करना पड़ेगा। दे वुड ऑल बिगिन टू चैंट द नेम ऑफ हरी व्हेनेवर द लॉर्ड क्राइड। जब भी प्रभु रोते थे वो हरि नाम करना शुरू कर देते
क्योंकि सभी प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते थे। इसका अभिप्राय है कि प्रभु दुखी होते हैं कि जीव हरि नाम नहीं करता है, वो चाहते जीव हरि नाम करे, उन्हें प्रसन्नता होती है। ये मेरा अंश है, मुझसे विमुख होने के कारण ये भटक गया है और संसार में फंस गया है। अगर ये हरि नाम करेगा, मेरे सम्मुख आएगा, तो ये मेरे घर पे आ जाएगा, यानी भगवत धाम आ जाएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक भी मेरा जो अंश है मेरे पास आ जाए। देखो, धन गया, यश गया, संपत्ति गई, प्रतिष्ठा गई, सब चला गया, कोई दुख की बात नहीं है। रियल संपत्ति क्या है? प्रभु का स्मरण होना ही संपत्ति है, और प्रभु का विस्मरण होना ही विपत्ति है। अगर ये चीज जाने के बाद अगर प्रभु की स्मृति आती है, प्रभु की याद आती है, तो समझो आपको सब कुछ मिल गया। अगर संसार का सब सुख मिलने के बाद अगर प्रभु की ही विस्मृति होती, इसको भूल जाते हैं, तो समझो आपका सब कुछ आप खो बैठे हो, आपका नुकसान हो गया, बहुत जबरदस्त नुकसान है, क्योंकि आप प्रभु को भूल गए हो। तो लोगों की भाषा क्या है, वो सोचते हैं कि भौतिक वस्तु मिलना, धन मिलना, ये है, ये सुख है। नहीं, प्रभु की स्मृति निरंतर बने रहना ही सुख का लक्षण है, और प्रभु की विस्मृति होना ही दुख का कारण है। और जी भूल चुका है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, केवल हम मुंह से बोलते हैं, अंदर से नहीं। अगर ये बात दिमाग के अंदर घुस गई है, एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम कृष्ण को नहीं भूल सकता। वो निरंतर कृष्ण नाम जपेगा, या तो कृष्ण कथा करता रहेगा, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। साधु के लक्षण क्या है? साधु किसे कहते हैं? जो निरंतर हरि कथा, कृष्ण कथा या कृष्ण नाम करे, संसार की कोई दूसरी चर्चा ना करे, ना कोई कहानियां बनाए, वही वास्तव में साधु होता है। जो कृष्ण की कथा ना करके दूसरों की कथा इधर की चर्चा करे, वो साधु है ही नहीं। और हम साधु को देख नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन साधु के लक्षण उस कानों से हम समझ सकते हैं कि वो साधु है कि नहीं। अगर साधु है तो हमेशा कृष्ण कथा करेगा, निरंतर कृष्ण कथा करेगा, नहीं तो निरंतर कृष्ण नाम जपता रहेगा, कोई दूसरी क्रिया नहीं करेगा। इसका आकर्षण कृष्ण के अलावा किधर और है ही नहीं। तो वास्तव में यही साधु है। तो कानों से हम साधु को पहचान सकते हैं, आँखों से नहीं। आँखों क्या हमारी तरह लगते हैं, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, नहाते हैं, मल मूत्र जाते, सब लगता है, लेकिन वो साधु के लक्षण। साधु के लक्षण क्या है? निरंतर कृष्ण कथा करना या कृष्ण नाम का जप करना, जो कोई मिले उसे कृष्ण कथा सुनाना, यही एक्चुअल दया है। अगर किसी पर रियल दया करने ना, उसको कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण नाम जपाओ, आप उस पर रियल दया करो, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण से जोड़ दो, उसके कर्म कट रहे हैं और वो भव सागर से तरह भगवत धाम जाने का अधिकारी हो रहा है। ये यही एक्चुअल रियल दया है। बाकी तो छोटी मोटी दया जो हम करते हैं, रोटी खिला दी, पैसे दे दिए या कपड़े दे दिए, ये तो उस पुण्य के अंतर्गत आता है, उससे थोड़ा भौतिक सुख मिलेगा, इससे ना अंतकरण शुद्ध होएगा, ना भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति केवल भक्ति से होती है। तो वही है कि अगर इसलिए हमें क्यों हरि नाम करना चाहिए, हमें प्रभु के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए ही हरि नाम करना चाहिए। महाप्रभु को राधा कृष्ण के मिलता, तेरी राधा कृष्ण दोनों प्रसन्न हो जाते हैं हरे कृष्ण मंत्र सुनने से। तो क्या अगर आप क्या दो चार माला करोगे, समझो आधा घंटा की, अब उसके बाद क्या करोगे? प्रभु दुखी होंगे। अगर आप जब जब समय मिलता है 6-7 घंटे अगर आप हरि नाम कर दो, प्रभु के चेहरे पे 6-7 घंटे मुस्कुरा, ये रियल भक्ति है। मेरा उद्देश्य है राधा कृष्ण के चेहरे पे, यानी महाप्रभु के चेहरे मुस्कुराहट देखना, उनको प्रसन्न देखना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही एक्चुअल रियल भक्ति है। इसलिए ये मत बोलो कि 64 माला हो गई तो बस हो गया, नहीं। जैसे सब मिलता 80 करोड़, 96 करोड़, 128 करोड़, 192 करोड़, जितनी हो सकता करो, लेकिन हरिनाम या हरि कथा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा देखनी है, जब तक नींद ना आए। हाँ ठीक है, भौतिक क्रिया है वो इसलिए करनी है, क्योंकि क्यों करनी है भौतिक क्रिया? क्योंकि भजन करने के लिए, क्योंकि आपको नाम जप, जब नाम जप खूब करना है आपको, तो उद्देश्य क्या हो जाता है क्रिया का? फटाफट करो ताकि भजन करो, तो वो कृष्णमय बनता जा रहा है, यानी वो
कर्म योग बनता जा रहा है, क्योंकि आप कृष्ण के लिए करो, फटाफट करो तो नाम जपना है, फटाफट कोई भी काम करो तो नाम जपना है, क्योंकि उद्देश्य के नाम जपना है, तो जब नाम जपना उद्देश्य है तो और क्या चाहिए, नाम के प्रति आसक्ति ही तो कृष्ण के प्रति आसक्ति है, क्योंकि नाम और नामी में भेद ही नहीं है, तो कृष्ण नाम में आपकी अटैचमेंट हो गई है, आसक्ति होगी, निरंतर जप करो करने आप स्वाभाविक आप कृष्ण में अटैचमेंट होगी आपकी, और क्या चाहिए, और अटैचमेंट का लक्षण यह है उसके बिगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता, जब मिलता मैं नाम जप करूँगा, यही तो लक्षण है अटैचमेंट के, और नहीं भी अटैचमेंट है ये करते करते इतना खूब भजन अटैचमेंट हो जाएगी, अधिक माला करते करते अटैचमेंट हो जाएगी। एज एवरी वन केम टू अंडरस्टैंड द ग्रेट मिस्ट्रीज दे वुड ऑल बिगन टू चैंट द नेम ऑफ हरि व्हेनेवर द लॉर्ड क्राइड, जैसे लोगों को इस रहस्य का पता चला सभी के सभी हरि नाम करने लगे जब भी प्रभु रोते थे। श्री गौरांग महाप्रभु सेड अ फर्स्ट क्लास वैष्णव इज ही हुज वेरी प्रेजेंस मेक्स अदर चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा, यानी उत्तम कोटि के वैष्णव के लक्षण क्या है, उत्तम कोटि के वैष्णव के लक्षण यह है कि उसके दर्शन मात्र से जी के मुख से कृष्ण नाम निकले, यही उत्तम कोटि के लक्षण है वैष्णव के। वाइल द लॉर्ड वॉज कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाई पीपल, जब भगवान घेरे हुए थे लोगों से, सम मिस्चीव डेमिगॉड्स प्लेड प्रैंक्स ऑन देम, कुछ देवताओं ने वहाँ पे कुछ शैतानी की वहाँ पे, वन ऑफ देम सीक्रेटली एंटर द लॉर्ड हाउस एंड व्हेन द पीपल सॉ ए शैडो दे एक्सक्लेम देयर गोज अ थीफ, कोई जो थे गुप्त रूप से भगवान के कक्ष में चले जाते हैं और जब लोगों ने उनकी परछाई लगी देखी तो उनको लगा कि कोई चोर आ गया है। Someone chanted Narsimha Narsimha and someone offered prayers to Aparajit the goddess Durga, किसी ने नरसिंह जी को आह्वान किया क्योंकि नरसिंह जी जो हैं रक्षा करते हैं विघ्न विनाशक हैं, उनकी पुकारा और कुछ लोगों ने माँ दुर्गा जी को पुकारा अपराजिता करके कि भाई रक्षा करिए। Someone else would protect the ten directions by mantra, कुछ लोग जो थे मंत्र का जाप करते दसों दिशाओं की रक्षा के लिए। In this way, a commotion arose in the house of Mother Shachi. इस प्रकार रात दिन ध्वनि चलती रहती, कुछ ना कुछ शोर होता रहता था माँ शची के घर में। As the demigod left the house after seeing the Lord, everyone exclaimed, "There he goes!" जैसे देवता जो थे घर छोड़ के चले जाते थे भगवान के दर्शन करके, सभी लोग क्या बोलते, देखो अभी चले गया, यानी उनका परछाई दिखती थी, उनका प्रभु के दर्शन में तब देवता के दर्शन के परछाई, तो पता चल जाता था कि ये देवता आए हैं। भैया ये तो स्वाभाविक है, प्रभु के दर्शन के लिए कौन नहीं आना चाहेगा, वो भी महाप्रभु के रूप में जो एकदम उदार बन के आए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ चीज सबसे नीच लोगों को प्रदान करने आए, इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है। कौन ऐसा इंसान होएगा जो उसका लाभ ना ले, जो प्रेम ना प्राप्त करना चाहे, वो भी राधा रानी के भाव ब्रज के भाव प्राप्त हो रहे हैं, फ्रीली मिल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, कोई मूर्ख होएगा जो या अभागा होएगा जो उसको ग्रहण नहीं करेगा। Someone said, catch him, catch him. कोई कहता है पकड़ लो पकड़ो, there goes the thief. उधर कोई चोर जा रहा है। Someone else repeatedly chanted Narsimha Narsimha. फिर कुछ लोगों ने बार बार नरसिंह नरसिंह जी का मंत्र का उच्चारण किया। One exorcist said, you are lucky you escaped today. जो ओझा होते हैं ना जो प्रेतों को हटाते हैं, तो कहते हैं तो भाग्यशाली तू आज भाग गया। You don't know the great power of Lord Narsimha Dev. तुम्हें पता नहीं नरसिंह भगवान की क्या शक्ति है, अब वो तो नहीं समझ रहे कि देवता लोग आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। द डेमिगॉड्स हु वर सीक्रेटली स्टैंडिंग देयर वॉचिंग एवरीथिंग बिगन टू लाफ, देवता जो खड़े होकर देख रहे थे वो सब हंस रहे थे। एंड इन दिस वे वन मंथ पास, इस प्रकार एक महीना बीत गया, यानी रोज निरंतर देवता दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके चले जाते, इस प्रकार एक महीना व्यतीत हो गया।
On the occasion of the child's coming out of the maternity room, the ladies accompanied Shakshi Devi for bath in the Ganges. एक महीने के बाद जब वो सूति का ग्रह जब बच्चा का पैदा होता है रखते रखा जाता है महीने के बाद कमरे से निकली तो उसे गंगा जी ले जाया गया स्नान कराने के लिए माँ शची देवी को. As they went for bath, they sang and played musical instruments. जैसे वो स्नान कर रहे थे उन्हें क्या किया वाद्य बजाने शुरू कर दिए. द फर्स्ट वर्शिप द गंगे एंड देन दे वेंट टू वर्शिप षष्ठी. तो पहले इन्होंने गंगा जी की पूजा की और फिर षष्ठी देवी की पूजा करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है. ये तो खैर लौकिक रीति है कोई कि भाई षष्ठी देवी छठे दिन आके आपका भाग्य लिख देती है वो तो लौकिक रीति है वैसे कोई वैदिक नहीं है क्योंकि इंसान जो जन्म लेता है वो पहले से ही जन्म गर्भ में इसके आने से पहले ही उसको भाग्य लिखा गया था. जो कर्म के होते हैं उसके अनुसार उसको फल मिलता है. खैर भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग मान्यता है वो अलग बात है. After properly worshipping the feet of all the gods, the ladies returned home feeling satisfied. सभी देवताओं की उपासना करके स्त्रियाँ जो हैं घर में वापस आती हैं तृप्त होकर. Mother Shakshi then repeatedly respectfully distributed roasted paddy, banana, mustard oil, vermilion, betel, nut and pan to the lady. माँ Shakshi ने बड़े आदर पूर्वक क्या किया वितरण किया धान को केले केलों को सरसों के तेल को और कहते हैं कि वर्म क्या वो सिंदूर को और सुपारी को और पान को सब लेडियो स्त्रियों को इन्होंने वितरण किया. ऑल द लेडीज देन ब्लेस द चाइल्ड ऑफर ऑबिसेंसेस टू मदर Shakshi. सारी स्त्रियों ने बच्चे को आशीर्वाद दिया प्रणाम किया माँ Shakshi को एंड डिपार्टेड फॉर द रिस्पेक्टिव होम और अपने अपने घर में चले गए. इन दिस वे द लॉर्ड परफॉर्म्ड हिज पास्टम. इस प्रकार प्रभु अपनी लीला करते हैं. हु कैन अंडरस्टैंड देम अनलेस दे आर इंस्पायर्ड बाय द लॉर्ड. कौन समझ सकता है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती या प्रेरणा नहीं होती उनकी लीला को कौन नहीं समझ. यानी भगवान की लीला केवल भगवान की कृपा से ही समझ में आती है. इसलिए कहते हैं कि साधु संग करो वैष्णवों का संग करो क्योंकि संत प्रभु के रहस्य को जानते हैं. वो अश्वी कथा में आपके भाव को डालते हैं जिससे आपके हृदय प्रेम उत्पन्न होता है और हृदय परिवर्तित हो जाता है. द लॉर्ड वॉन्टेड एवरी वन टू चैंट दीज होली नेम्स. So he cried frequently. भगवान चाहते थे कि सभी लोग हरि नाम करें. ऐसे वह बार बार होते थे. अब छोटे बच्चे हैं महीने भर के ही हैं या उससे भी कम है. अब उस महीने भर के बच्चा तो उपदेश तो दे नहीं सकता ना. हालांकि प्रभु पे लागू नहीं होता लेकिन लोग को नहीं जानते कि ये कौन है. तो वो रो रो के बार बार होते लोग हरि नाम कंटिन्यूसली करें. हम क्यों प्रभु को रुलाना चाहते हैं क्यों हम उसके चेहरे पे खुशी नहीं देख सकते हैं. अगर हमारे हरिनाम उससे खुश होती तो कर लो ना हरिनाम. अगर राधा कृष्ण प्रसन्न हो गया और क्या रह गया किसको प्रसन्न करना बाकी रह गया. विषय भोगियों को प्रसन्न करना है क्या हमको. राधा कृष्ण को ही तो प्रसन्न करना है. वही तो दोनों मिलके महाप्रभु हो गए महापुरुष प्रसन्न तेरे सभी प्रसन्न हो जाते हैं उसमें. द मोर द लेडीज ट्राई टू पैसिफाई द लॉर्ड द मोर ही वुड क्राई. जितना वो बच्चे को शांत करने का प्रयास करती थी उतने ही प्रभु ज़्यादा रोते थे. बट एज सून एज दे चैंटेड द नेम ऑफ हरी द लॉर्ड वुड स्माइल एंड लुक एट देम विद हिज मून लाइक फेस. जैसे ही वो हरी का नाम उच्चारण करते तो भगवान क्या करते मुस्कुराते उनकी और देखते अपने सुंदर चंद्रमा जैसे मुख के उनकी और देखते. यानी हरिनाम करने से
प्रभु के उसका और उनके कृपा दृष्टि मिलती है, महाप्रभु की दृष्टि मिलती है, महाप्रभु की दृष्टि में राधा कृष्ण की दृष्टि पड़ गई, और क्या चाहिए। इसलिए हरिनाम कभी रुकना ही नहीं चाहिए। मिनिमम 64 करने, मिनिमम 64 करने माला, अधिक से अधिक और कर सकते हो करो। और जब महाप्रभु प्रसन्न हो गए, देखो आपका प्रारब्ध कैसे परिवर्तित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। Knowing the heart of the Lord, everyone continually chanted the name of Hari while clapping their hands. प्रभु के हृदय को जानते हुए सभी लोग लगातार हरि नाम कर रहे थे, हाथ से तालियां मारते हुए। Everyone happily performed congregational chanting of the name of Hari. सभी लोग मिलके इकट्ठे होके हरि नाम कर रहे थे। And thus Shachi house became filled with the song of the holy name of Hari. और Shachi माता घर भर गया हरि नाम की ध्वनि से। As the Lord resided in the house of Jagannath Mishra, he secretly performed pastimes to those of Gopal Krishna. तो जब प्रभु जो थे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के मिश्र में रहते थे, तो उन्होंने वही लीला की जो कृष्ण की, गोपाल कृष्ण की, जो बाल कृष्ण की लीला थी, बिल्कुल वैसे ही लीला कर रहे थे वो बालकपन में। और जिन्होंने कृष्ण लीला पढ़ी है भागवत के अंदर, और जो इन बाल लीला को पढ़ेंगे, आप बोलोगे दोनों की तुलना में पता नहीं चलता कि कृष्ण लीला है कि ये महाप्रभु की लीला है, दोनों एक जैसे आपको दिखाई देंगे। Whenever there was no one home, the Lord would scatter things here and there and then pour oil, milk, buttermilk and ghee on the floor. जब घर में कोई नहीं होता था तो प्रभु क्या करते थे, इधर उधर क्या करते थे, दूध, लस्सी, घी और तेल जमीन पे डाल देते, वितरण करते थे, डाल देते थे। When he understood that his mother was coming, he would lie down and begin to cry. जब उन्हें पता चलता कि उनकी माँ आ रही, तो वो लेट जाते थे और रोना शुरू कर देते। In order to pacify the crying child, रोते बच्चे को चुप कराने के लिए, मदर सची वो चैंट द नेम हरि, माँ सची हरि नाम करना शुरू कर दी। Then she noticed the big mess in the room and inquired. जब उसने देखा कि पूरा घर गंदा कर दिया हुआ, तेल वगैरह सब नीचे जमीन, दही दूध वगैरह डाल के, तो उन्हें पूछा कैसे हुआ। Who has scattered this paddy, rice and dal all over the house? किसने ये धान चावल और दाल जो है जमीन में डाल दी है। She also noticed that the pots of yogurt and milk had been broken. उन्हें ये भी देखा कि दूध और दही के जो मटके हैं वो टूटे हुए हैं। No one could understand who had scattered everything about. किसी को समझ नहीं आया कि वो कैसे, किसने सब पूरा चीज बिखेर दिया जमीन पे। There was only the 4-month-old child at home. ये तो 4 महीने का बच्चा घर में, ये कैसे कर सकता, वो समझ नहीं पा रही कि कौन कर रहा है, जबकि ये स्वयं महाप्रभु कर रहे थे। All the relatives came there, but they were also unable to find a trace of who had. सारे रिश्तेदार आए लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि किसने ये क्रिया की होगी, इतना कोई बिखेर दिया है। ये तो 4 महीने का बच्चा, वो कैसे करेगा। Someone said some demon must have come. कोई कहता कुछ कोई राक्षस आया होगा, उसने किया होगा। But he was unable to attack the child due to the protective mantra. लेकिन वो बच्चे को बिगाड़ नहीं सका क्योंकि हम लोग मंत्र जाप करते हैं बच्चे की रक्षा के लिए। Be unable to harm the child, he angrily made this mess and then fled away. क्योंकि वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो क्या हो गया, उसने क्रोध में ये सारा गंध फैला दिया और भाग गया है। जगन्नाथ मिश्रा वॉज वेरी अस्टॉनिश्ड टू सी दी मेस। जगन्नाथ मिश्रा बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे ये सब देख के कि गंध कैसे होगा जमीन पे। बट कंसीडरिंग इट वॉज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस ही रिमेन्ड साइलेंट। ये सोचा कि भाग्य ही ऐसा है, वो चुप हो गए। ये कई चीज़ें होती हैं ना, बुद्धि से परे होती है, जीव समझ नहीं पाता है।
जी समझ नहीं पाता है, छोड़ देना चाहिए भगवान पे, जो होता है होता है, क्या करोगे, क्योंकि हर चीज हम समझेंगे ये असंभव है। इन स्पाइट ऑफ द ग्रेट वेस्टे सची एंड जगन्नाथ फॉरगो ऑल द डिस्टर्स व्हेन दे लुक एट द फेस ऑफ द सन। यानी ये सब चीज़ें तेल घी वगैरह दाल चावल बर्बाद करने के बाद इतना उनको तकलीफ थी, क्योंकि बहुत पैसा तो था नहीं, थोड़े गरीब भी थे, उन्हें दुख होता, लेकिन उस दुख को भूल जाते या अपने पुत्र के मुख की ओर देखते थे। इन दिस वे द लॉर्ड डेली परफॉर्म सम मिस्चे, इस प्रकार रोड कोई शैतानी करते। एंड देन द टाइम फॉर ई नेम गिविंग सेरेमनी अराइव, फिर वो समय आ गया जब इनका नामकरण होना था। ऑल द लर्नड पर्सन हेडेड बाय नीलांबर चक्रवर्ती एज वेल एज ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम फॉर द सेरेमनी। यानी सारे विद्वान लोग, उनके जो नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती समेत और जितने दोस्त रिश्तेदार थे, उस उत्सव के लिए आए, नामकरण उत्सव के लिए आए। मैनी चेस्ट वुमेन हु वर डेकोरेटेड विद वर्मिलन एंड एज एफल्जेंस एज आई एज लक्ष्मी केम फॉर दी सेरेमनी। बहुत सी जो सती स्त्रियाँ थी, पतिव्रता थी, जिन्होंने अपने सिर पे सिंदूर लगाया हुआ था और लक्ष्मी के तेजस्वी थी, वो भी वहाँ पे आई। एवरीवन कंसीडर्ड व्हाट नेम शुड बी गिवन, सब ने सोचा इनका क्या नाम देना चाहिए इन्हें। द वुमेन सजेस्टेड वन नेम एंड अदर सजेस्टेड अनदर नेम। कोई स्त्री एक नाम बोलती, दूसरी स्त्री कुछ और बोलती, इस प्रकार सभी अलग अलग नाम लेती। द लेडी सेड सिंस यू हैव लॉस्ट मैनी डॉटर्स, दिस लास्ट बॉर्न चाइल्ड शुड बी नेम निमाई। कहते तूने आपकी बहुत सी लड़कियों को खोया है, यानी पैदा होते 8 लड़के थी, मृत्यु को प्राप्त हुई, तो इसका नाम निमाई रख देना। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन द लर्नर स्कॉलर दे सजेस्टेड एन अप्रोप्रिएट नेम फॉर द चाइल्ड। ये सोचने के बाद जितने भी जो विद्वान लोग थे, उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे का ये नाम होना चाहिए। दे सेड द चाइल्ड वाज बॉर्न, ऑल द सराउंडिंग प्रोविंसेस हैव बीन डिवाइड ऑफ फैमिन एंड द फार्मर्स हैव हैड सफिशिएंट रेन। कहते जब से बच्चा पैदा हुआ है, आसपास के इलाकों में जो क्या बोलते हैं उसको, फैमिन को क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष, अकाल या दुर्भिक्ष बोलो, वो खत्म हो चुका है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही है। जस्ट द लॉर्ड नारायण प्रीवियस डिलीवर द अर्थ, जिस प्रकार नारायण ने पृथ्वी का उद्धार किया, द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम प्रॉस्परस सिंस द टाइम ऑफ हिज बर्थ। पूरा जो विश्व है वो उस पर अपार संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है जब से इसका जन्म हुआ है। पूरे विश्व में मंगल चिन्ह आए, संपत्ति आई, सब कुछ आया। Therefore this child should be named Shri Vishwambhar, इसलिए इसका नाम रखना चाहिए विश्वम्भर। This name is also given in his horoscope, उसकी कुंडली में भी यही नाम है। विश्वम्भर का अर्थ होता है विश्व का भरण पोषण करने वाला, जिसके आने मात्र से पूरे संसार में सुख संपत्ति आई है, अकाल जो था खत्म हो चुका है, दुर्भिक्ष जिसे कहते हैं, और पर्याप्त वर्षा हुई है, तो इसलिए इसका नाम विश्वम्भर होना चाहिए। द नेम निमाई सजेस्टेड बाई द चाइल्ड लेडी विल बी हिज सेकेंड नेम। जो निमाई जो सती स्त्रियों ने जो बोला था वो उनका दूसरा नाम होएगा, क्योंकि प्रभु नेम के पेड़ के नीचे उत्पन्न हुए थे। जो मायापुर गया वो दर्शन कर सके, आज भी वो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ है, वो अभी भी लिखा हुआ है वहाँ पे, इसी पेड़ के नीचे वो जन्म लिया, इसलिए इनका नाम नीम का पेड़ है, इस का निमाई इस कारण से ही पड़ा। द ओकेजन ऑफ द चाइल्ड नेम गिविंग सेरेमनी वॉज मोस्ट ऑस्पिशियस, जो बच्चे का जो नामकरण उत्सव था बहुत मंगलकारी था। द ब्राह्मण रिसाइटेड द भगवद्गीता द श्रीमद् भागवतम एंड द वेदा। ब्राह्मण ने भगवद्गीता भागवत और वेदों का उच्चारण किया।
Both demigod and human being chanted the names of Hari. देवता और मनुष्यों ने हरि नाम का उच्चारण किया. As conch were blown and bells were rung, और शंख ध्वनि हो रही थी और घंटे बज रहे थे. In order to examine the child's preference, तो बच्चे की रुचि किस चीज़ के प्रति है ये जानने के लिए, देख क्या पैडी यानी धान को रखा उन्होंने एक जगह पे, अबुक एक जगह किताब रखी, एक जगह रोस्टेड पैडी यानी उसको गर्म करके रखा गया धान को, फिर एक जगह पे पैसे रखे गए, एक तरफ सोना रखा गया और एक तरफ चांदी रखी गई उनके सामने. तो रोस्टेड पैडी, मनी, गोल्ड एंड सिल्वर इन फ्रंट, सब चीज़ें रखी गई कि बच्चे की रुचि किस चीज़ के प्रति होती है. ना में बच्चे के रुचि चमकती हुई चीज़ के प्रति, सोने के पीछे होगी या चांदी के या खाने की वस्तु के प्रति होगी. तो ये जानना चाहते इसकी रुचि क्या है. जगदंब विश्व सेड, आई लिसन माय डियर विश्वंभर, प्लीज स्पीक अप व्हाट एवर यू फाइंड अट्रैक्टिव. विश्वंभर कहते हैं, विश्वंभर अपने पुत्र से, जो तुझे चीज़ आकर्षित लगती है उस चीज़ को तो उठा ले. श्री सच्ची नंदन लेफ्ट एवरीथिंग असाइड, सच्ची नंदन ने सब कुछ परे करके एंड अम्ब्रेस दी श्रीमद भागवत, अब भागवत को उठा के गले से लगा दिया. यानी ना खाने की वस्तु पे का स्पर्श किया, ना ही इन्होंने कोई सोने चांदी के पीछे कोई चीज़ दी, और गए तो सीधा भागवत को उन्होंने स्पर्श किया और छाती से लगा. फ्रॉम ऑल साइड द चार्स लेडी एक्सक्लेम जय जय, सारी सतीश ध्वनि जय जय की ध्वनि की. एवरीवन प्रेडिक्टेड दैट चाइल्ड वुड बिकम अ ग्रेट लर्नर स्कॉलर, सबको लगा कि ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा क्योंकि इसकी रुचि पढ़ाई की तरफ होगी, क्योंकि इसका ध्यान ग्रंथ के प्रति गया है. समवन सेड दिस चाइल्ड विल बी अ ग्रेट वैष्णव, किसी ने कहा कि बच्चा बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा. ही विल रियलाइज द पर्पस ऑफ द स्क्रिप्चर इन अ शॉर्ट टाइम, यानी जो शास्त्रों का सार क्या है ये बहुत कम समय में समझ लेगा. शास्त्रों का सार है कृष्ण नाम. कृष्ण नाम जपने से सारे शास्त्रों का रहस्य बगैर प्रयास के हृदय में प्रकाशित हो जाता है. केवल जपते 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 अंतकरण की शुद्धि होगी, जैसे जैसे अंतकरण की शुद्धि होगी सारा का सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा. Whoever was blessed by Vishwambar, smiling glance was filled with happiness. जिस पे भी विश्वंभर की कृपा दृष्टि पड़ी, मुस्कुराते हुए मुख से कृपा दृष्टि पड़ी, उसके जीवन में खुशियाँ आ गई. Whoever took him on the lap did not like to put him down. जिन्होंने उसको गोद में उठाया उनकी इच्छा नहीं कि मैं उसको नीचे रखो. In this way the ladies held on their laps. He who is really attained by the demigod. इस प्रकार वहाँ की स्त्रियों ने उस बच्चे को अपने गोद में बिठाया जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है. दर्शन तक देवताओं को भी दर्शन नहीं होते, और उस बच्चे को गोद में बिठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. कारण यह है कि प्रेम, प्रभु प्रेम से वशीभूत होते हैं, क्योंकि ये सब हरि नाम का कीर्तन करते हरि नाम करती थी, इसलिए प्रभु ने उनको सौभाग्य प्राप्त किया मुझे अपनी गोद में बिठाने का. इसका अभिप्राय होता है जो हरि नाम करता है उसके अंदर इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि प्रभु से गोद में आके बैठ जाते हैं. नाम प्रेम उत्पन्न कराता और प्रभु को गोद में ला के बिठवा देता. Whenever the Lord cried, the women immediately clapped their hand and chanted him. जब भी प्रभु रोते थे तुरंत स्त्रियाँ क्या करती थी, तालियाँ मारती थी और हरि नाम करना शुरू कर देती थी. तो इसलिए प्रभु हमेशा रोते रहते थे, क्योंकि क्योंकि तुम हरि नाम करो निरंतर, वो किसी को चुप होने देते. यानी प्रभु चाहते थे कि जीव एक पल भी हरि नाम छोड़े. मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो, मुझे रोते नहीं देखना तो हरिनाम करते जाओ, अगर नहीं तो फिर मैं रोऊंगा, रो के कराऊंगा, फिर बड़े होऊंगा तो देश के द्वारा कराऊंगा, कैसे भी कराऊंगा. भैया ये महाप्रभु नित्यानंद ऐसे हैं
ये कलयुग के अंदर आए ना, इनको महामता ने बोला गया आप हरि नाम करना चाहो या ना करना चाहो, ये आपके पीछे दौड़ेंगे और पकड़ेंगे आपको और हरि नाम करवाएंगे, ये इनकी विशेषता है। ये किसी को भी जाने देंगे, बाकियों के पीछे, ईश्वर के पीछे जीव को दौड़ना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन महाप्रभु नित्यानंद को, स्पेशली नित्यानंद जी को, महाप्रभु से भी ज्यादा नित्यानंद है, उनको प्राप्त करने के हमको प्रयास, वो हमारे पीछे दौड़ेंगे, वो हमको पकड़ेंगे जबरदस्ती, बोलेंगे एक दफा कृष्ण नाम बोल अपने मुख से, इधर मैं तेरे सारे का तेरे कपड़े धोलूंगा, बर्तन मानूंगा, जो तो बोलेगा तो कृष्ण नाम, यानी इतने ज्यादा उदारता आपके में दिखाई देगी। ये विशेषता इस अवतार की। As the Lord heard their chanting, he began to dance on the lap. जैसे ही प्रभु सुनते थे नाम को, वो नाचना शुरू कर देते, उन्हीं की गोद में नाचना शुरू कर देते, गोद में। This chanting inspired the lady to chant with greater enthusiasm, क्योंकि प्रभु नृत्य करते थे, उनकी इच्छा थी और उत्साह से नाम जपते थे। देखो, नाम जपने से प्रभु नाचना भी शुरू कर सकते हैं। एक संत ने यहाँ तक बात कह दी है, अगर आप लेट के हरि नाम करते हो तो प्रभु आपके बगल में आके बैठ जाएंगे, अगर आप बैठ के हरि नाम करते हो तो प्रभु आपके सामने खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े होकर खड़े होंगे तो प्रभु नाचना शुरू कर देंगे, बस हरि नाम करो, कैसे भी करो मैं आपके पास आऊंगा ही आऊंगा। समझे ना? तो यहाँ तक किसी संत ने बात कही है कि करो हरिनाम, बस करते जाओ। मुझे बताओ, रात दिन का हरिनाम करोगे बिगैर मन के करता है? पहले बात बोलो, मन है तभी तो करो, नहीं तो अभी दो चार माला करके छोड़ दे, मेरे नहीं करना। अगर कोई 70 माला 80 माला करे, मन है तो ही तो कर रहा है, तो कौन कह रहा कि मन नहीं लगा आपका? किसने कह दिया मन नहीं लग रहा? बिगैर मन के जाप का सब, बिगैर मन के तो बंदा रसोई में जाप नहीं सकता, या भूल जाता उतारना कोई चीज़ रखी होगी चूल्हे पे कोई चीज़, या रोड भी क्रॉस नहीं करा, भूल जाता मैं रोड को क्रॉस करना है, तो मन अपने पास तभी तो ध्यान से रोड क्रॉस करता है, तो बिगैर मन के कोई जाप कर भी कह सकता है, मन कर रहा है तभी तो जाप हो रहा है, ठीक है, उस स्तर पर हमारा ध्यान नहीं लगता जो उस कोटि के श्री भक्तों में होता है, लेकिन मन तो लगा है तभी तो जाप कर रहे हो आप कंटिन्यूसली, और आप काम भी फटाफट इसलिए करो क्योंकि मैं जाप करना, जाप करना, आपका मन हरि नाम में अटका हुआ है, तभी आप फटाफट काम करो कि मुझे जाप करना है, तो कौन कह रहा कि आपका मन नहीं लगा? और मान दो नहीं भी लगा तो इतना करने पर तो मन लगना ही लगना है यार, ऐसे कोई निराशा की बात ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे ग्रंथों में कभी भी किधर भी निराशा नहीं दी, निराशा तो वो लोग देते हैं लोगों को, आ देता है दिल तोड़ने की, क्या कुछ फायदा नहीं, मन नहीं लगता, बेकार है, ये है वह, ऐसा लोगों का आदत है दिल तोड़ने की, निरुत्साहित करने की, बगैर मन लगे तो मन गंदा है तुम्हारा, तुम नाम जप करो, बगैर मन के तुम नाम को फायदा नहीं। मुझे बताओ मन साफ कैसे होएगा? हरि नाम से होएगा। जब साफ होगा तो लगेगा कि लगेगा? तो आपने पहले कह दिया कि तुम साफ करो, मन लगाओ, कैसे लगाएगा? तुम दवाई तो खाओ हरि नाम की। शास्त्र की भाषा अलग है, जो नाम निष्ठ है उनकी बात शास्त्रों से मिलती है, और जो नाम निष्ठ नहीं है उन्हीं के बात है कि निरुत्साहित करना, दिल तोड़ना, कुछ नहीं होता नाम से, ये नहीं होता, तुम सेवा करो। सेवा किसकी होती है? जो नाम निष्ठ वैष्णव की सेवा होती है उसकी सेवा से क्या होता है, वो आप उसके हेल्प करोगे भजन में, वो आपको उपदेश करता रहेगा, आपको सिखाएगा, और आपको हरिनाम की प्रेरणा देगा, आपके अंदर हरिनाम करने की रुचि होगी, ये होती है नाम। जो नाम जब भी नहीं करते विषय भोग, उनकी सेवा करने से क्या कोई वैष्णव सेवा कराई जाती है? अरे पहले वैष्णव तो बन जाओ, संसार के प्रति आकर्षण खत्म हुआ नहीं, खाने पीने में आकर्षण खत्म हुआ नहीं, स्त्रियों के प्रति आकर्षण खत्म हुआ नहीं है, और घूमने में आकर्षण, और हम कहते हैं वैष्णव हमको हरिनाम ले 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। भैया कैसे? अगर प्रभु के प्रति आकर्षण नहीं बढ़े तो कहे क्यों आप हरि चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा कहे के वैष्णव हो? आप एक क्षण भी प्रभु को नहीं भूल सकते। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा एडवांसमेंट का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ अटैचमेंट टू द होली नेम डिटरमाइंस एडवांसमेंट। जितनी आपके नाम में रुचि होगी उतने ही आपका स्तर ऊंचा है,
इसे कहते हैं एडवांस उच्च स्तर की भक्ति, जितने नाम में रुचि आपकी बढ़ती जाएगी। प्रभुपाद जी के शब्द है, और आपके नाम में रुचि है नहीं और कहते हैं कि हम सीनियरिटी का अभिमान लेके बैठे, ये बेकार की बातें हैं, ये व्यक्त व्यक्त अभिमान है। पहली बात है, ये तो बात कभी आनी चाहिए कि मैं सीनियर हूँ, मैं सबसे तुच्छ हूँ, मैं दीन हूँ, मेरे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। तो जब सहनशीलता होगी, कुछ मानोगे तो सहनशीलता होगी। हम कुछ मानते हैं अपने आप को, सर मुँह से बोलते हैं, छोटी सी बात है तो लड़ाई शुरू हो जाती है, मुँह चढ़ जाते हैं। मुँह चढ़ जाना, लड़ाई होना, इसका मतलब कि मेरे अंदर वो गुण आए नहीं है, मैं उस श्लोक को समझा ही नहीं हूँ। ये तो मुँह चढ़ने वाली क्या बात है, यूँ तुम्हें मान प्रतिष्ठा यश सब चाहिए, मुझे बताओ तुम्हें कृष्ण चाहिए कि मान प्रतिष्ठा यश ये शरीर की आवश्यकता है। और जो मुझे बुलाया नहीं, मेरे को देखा नहीं, मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे अरे नहीं किया, छोड़ो ना, तू मन कृष्ण पे लगा, तू क्यों इधर ध्यान देके परेशान हो रहा है? परेशान वो नहीं कर रहा, तेरा मन कृष्ण से हटको उस पर लग रहा है तो ही परेशान हो रहा है। इससे विपत्ति कब है, चाहे प्रभु का भजन स्मरण ना हो। यही बात तो हनुमान जी ने कही थी राम जी को, सुंदर कांड में पढ़िए, विपत्ति का जब भजन स्मरण ना हो, भजन में आपका मन लगा हुआ है भजन स्मरण में, तो कहाँ विपत्ति है मुझे बताओ, कहाँ दुख है? आपको तो ध्यान में आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी का क्या, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि वो प्रणाम कर रहा है नहीं कर रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा है, आपकी निंदा कर रहा है आपकी प्रशंसा कर रहा है। ठीक है ना, जो करना करो, आपका ध्यान गया, आपने सुना उसकी बात को, तब दुख हुआ। आप कृष्ण कथा सुनते नाम जप करते आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। जीव अपनी बुरी आदतों से दुखी होता है, कोई किसी को दुख नहीं देता। जो इंसान कह रहा मैं बहुत दुखी हूँ मैं परेशान हूँ, इसका मतलब उसका मन कृष्ण में नहीं है, उसका मन संसार में है, वो अपनी बुरी आदतों से दुखी हो रहा है। दूसरे को मत सुधारो, खुद सुधरो, अपना मन कृष्ण में लगाओ। गीता में कहा मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, तो तुम उसको बात ही नहीं मानते उसकी बात को। महाप्रभु कहते चारे देखो काहे को कृष्ण, जिसको मिलते हो देखते हो उसको कृष्णोपदेश का, तुम वो भी नहीं करो। जो मिलते संसारिक बात कर लेके शुरू बैठ जाते हो, तुम कृष्ण उपदेश क्यों नहीं करते मुझे बताओ ना। तुमने सिर्फ श्लोकों को रटना है, उसको समझना नहीं है, ये मैंने देख लिया। बस और ज्ञानी बन के अकड़ के घूमना है। अरे भैया उनको रियलाइज करो, समझो क्या है उसका अभिप्राय क्या उनका। एवरीवन they are continuously chanting name of Hari, for they were induced by the will of the Supreme Lord. तो सभी लोग वहाँ पे हरि नाम कर रहे थे क्योंकि उनको प्रेरणा मिल रही थी, भगवान की इच्छा थी कि सभी लोग हरि नाम करें। भगवान यही तो चाहते कि सब लोग करें, इसलिए भगवान अपने संतों को भेजते हैं, अपनी कृपा शक्ति का संचार करते संतों के अंदर, तो ही वो सफल हो जाता है। वो संत अपने आप से नहीं किसी का हृदय बदल सकता, ना ही वो कुछ बोल सकता, जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होती, कृपा शक्ति नहीं होती। हाँ ये बात है कि करते तो प्रभु है, श्रेय भक्त को देते, देख तूने बोला तो उसे हरि नाम के, तूने बोला तो उसे उसको अच्छा हो गया, क्योंकि आपने भजन के इसलिए अच्छा हुआ है, प्रभु को आदत है अपने नाम जापक को श्रेय देने का, वो बात अलग है। लेकिन भक्त को समझना चाहिए जो मुझे सफलता मिल रही है वो प्रभु की कृपा शक्ति से ही प्राप्त हो रही है, इससे मेरी कोई विशेषता नहीं। जीव किसी बात का अभिमान न करे, मैं नहीं होता तो कौन करता, मेरी वजह से हो रहा है, मैंने इतने भक्त बनाए, मैंने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने इतनी कलेक्शन की, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, ये सेवल अभिमान है। प्रभु आपको श्रेय दे रहे, आपके हाथ से काम करवाए, तुम उसका अभिमान क्यों पाल रहे हो? प्रभु के कार्य स्वयं सिद्ध है, उनको आपके उनके तो संकल्प पात्र से जब कार्य हो सकते थे, उनको तुम्हारी लेश मात्र भी जरूरत नहीं है। वो तुम सेवा भी तब करोगे जब कोई सेवा लेगा, जब कोई सेवा लेगा तो सेवा किसी करोगे? ये प्रभु मौका दे रहे तुम्हें सेवा करने का, अब वो आपसे सेवा ले रहे हैं, आप क्या करोगे? आप ढूंढोगे कथा सुन के, बोलेगा सुन, बोले मैंने नहीं सुनना। ये प्रभु ही पात्र भेज रहे कथा सुनने के लिए, वो आपसे सेवा ले रहे हैं, पात्र कहाँ से ढूंढ के लोगे? मैं तो आपको जानता ही था, इसको जानता नहीं, इसको जानता नहीं था, तो प्रभु स्वयं ही तो भेज रहे हैं, और फिर जीव श्रेय कैसे ले सकता है किसी चीज का?
इसलिए ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए, कभी किसी चीज़ का श्रेय मत लो, अभिमान मत लो, और केवल यही सोचो कि मुझे हर रात दिन प्रभु का भजन करना है और कुछ नहीं करना है। और मन को दुखी मत करो, क्योंकि ईश्वर को जब भूलोगे तो दुखी होएगा, जब मन हमेशा लगा रहेगा तो सुखी रहोगे। तो फादर अच्छा, विदाउट द लॉर्ड्स विल नो एक्टिविटीज आर सक्सेसफुल। भगवान की इच्छा के बगैर कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। अगर भक्त को सफलता मिलती है तो उसके पीछे प्रभु की कृपा ही होती है, बगैर कृपा के जो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप कोई बोल सकता तू आए तो ये काम हो गया, तो किसी के आने से कुछ नहीं होता, प्रभु की कृपा होती। भक्त को श्रेय देना तो कहते तू आए तो काम हो गया, भक्त समझता है सब प्रभु कृपा चली, क्योंकि आप भजन करो इसलिए आपका छोर है। दिस इज कन्फर्म इन द वैदिक लिटरेचर एंड द श्रीमद् भागवतम, और ये बात वेद के और भागवत में लिखी गई है, कन्फर्म की गई है कि बिना प्रभु की इच्छा से कोई भी क्रिया में जीव सफल नहीं हो सकता। अगर भक्त को सफलता मिलती है तो उसके पीछे प्रभु का ही पूरा श्रेय होता है, प्रभु की कृपा होती है, हाथ होता है। केवल अपने नाम जप को प्रभु को यश देने बड़ा मजा आता है, देख मेरे भक्त को यश मिले, वो यही तो चाहते हैं। जो समुद्र मंथन के समय हम नहीं पढ़ते क्या, जब विघ्न आ रहे थे तब प्रभु ने कहा कि भाई तुम गणेश की पूजा को क्यों क्यों विष्णु को होते गणेश की पूजा की जरूरत क्या है, क्योंकि गणेश नाम जप क्या कहते कच्छप करूं, लेकिन मैंने ही पहाड़ को धारण करना है, भार तो मैंने ही उठाना है, लेकिन मैं अपने भक्तों को श्रेय दूंगा, मेरे भक्त की उपासना करो, क्योंकि वह नाम निष्ठा है, गणेश जी नाम निष्ठा है, उनको तो मैं श्रेय दूंगा ही दूंगा। तुम उनके उनका आशीर्वाद लो, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो विघ्न नहीं आएंगे। मतलब क्या है कि भक्त को आशीर्वाद लेना ही चाहिए, क्योंकि चाहे वो माता चाहे शिव जी हो चाहे गणेश, सारे वैष्णव ही तो हैं, और शिव शिव तो उनका आशीर्वाद देना चाहिए। क्या आशीर्वाद, कि हरि भजन में मुझे सफलता मिले, मुझे ब्रज का भाव मिले, आशीर्वाद दो मुझे ब्रज भाव मिले, स्वरूप सिद्धियों के मेरा स्वरूप का मुझे पता चले, नाम में निष्ठा हो जाए, ये आशीर्वाद लो। तो इसलिए इस भाव से प्रणाम करो कि वो वैष्णव है, भगवान के प्रिय है, उनके आशीर्वाद से मुझे ब्रज में प्रवेश मिलेगा और मेरे को हरि भक्ति में सफलता मिलेगी। ये भाव से हमने सबको प्रणाम करना है। वो स्वतंत्र भगवान है, ये भाव से ये बात गलत, और फिर गीता के सिद्धांत गलत हो जाते हैं, समझे ना। इस भाव से कि सारे वैष्णव है, हमको सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। In this way, the Supreme Lord Sri Satchidanand inspired everyone to chant the holy name as he grew up day by day. इस प्रकार जो थे भगवान सच्चिदानंद जी क्या करते, हर एक को प्रेरणा देते हैं हरि नाम करने के, जैसे वो दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं। द क्रॉलिंग ऑफ द लॉर्ड वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल। जब प्रभु रेड़ते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। एंड द टिंकलिंग साउंड ऑफ द बेल ऑन द वेस्ट इंचेंटेड द माइंड ऑफ ऑल। और उनके जो कमर में करधनी लगी थी उसके जो ध्वनि होती थी सबका मन आकर्षित हो जाता था। ही फियरलेसली वॉन्डर्ड थ्रू आउट द कोर्टयार्ड, निर्भय होकर वो आंगन में विचरण करे हैं। एंड ग्रैब वट एवर ही सॉ इवन अ फायर और अ स्नेक, और जो उनको आता उसे पक, चाहे वो सर्प हो चाहे वो अग्नि हो। वन डे अ स्नेक एंटर द हाउस, एक दिन एक सर्प आ गया उस कमरे में। एंड द लॉर्ड कॉट होल्ड ऑफ इट इन अ चाइल्डिश स्पोर्ट, तो जैसे बच्चे होते ना खेलते, किसी को पकड़ लेते बच्चे की तरह उन्हें पकड़ लिया खेलते हुए। द लॉर्ड देन लेड डाउन ऑन द कॉल्स ऑफ द स्नेक, तो भगवान क्या होगा स्वयं लेट गए उसके सर्प के ऊपर, जैसे उसने गुदड़ी मारी थी तो उसके ऊपर लेट गए। Seeing this, everyone immediately exclaimed, देख के सब लोग घबरा गए, अलास अला हाय हाय, but the Lord simply smiled as he laid on the snake. लेकिन प्रभु मुस्कुराते जब वो लेटे हुए थे से, यानी जैसे नारायण जो शेषनाग पे विश्राम करते हैं उसी प्रकार प्रभु यहाँ पे विश्राम करते,
ऐसा संतों का मानना है कि श्रेष्ठ आए थे प्रभु की सेवा करने के लिए और उनको विश्राम देने के लिए और उनको गर्मी धूप ना लगे उसके ऊपर अपनी छत्र छाया डालने आए थे, तो उसको कि श्रेष्ठ का काम ही है भगवान की सेवा करना। ऑल द पीपल दे आर कॉल्ड आउट गरुड़ गरुड़ एंड द लॉर्ड पेरेंट्स क्राइड आउट ऑफ, सभी ने गरुड़ गरुड़ पुकार के, क्योंकि ऐसे भागवत में वर्णन आता है गरुड़ का नाम लेने से, क्योंकि सर्प गरुड़ के शत्रु माने जाते हैं, गरुड़ का भोजन सर्प होता है तो सर्पों का भय नष्ट हो जाता है। तो एंड द लॉर्ड पेरेंट्स क्राइड आउट ऑफ फियर, और उनके माता पिता भय के कारण रोने लगे। हेयरिंग एवरी वन क्राइड लॉर्ड अनंत बिगैन टू डिपार्ट, ये देखे सब रो रहे हैं, अनंत यानी शेष ना वहां से चले गए। बट इस सन ऑफ सचिन ट्राइड अगेन टू ग्रैब हिम, और लेकिन सचिन नंदन उनको दोबारा पकड़ने का प्रयास किया, क्योंकि विशेष तक उन्हीं के तो विस्तार है, वही बलराम जी है, वही लक्ष्मण जी है और वही नित्यानंद बने हैं और वही यहाँ पे शेष आ रहे। समवन टाइड अ प्रोटेक्टिव चार्म ऑन हिम एंड समन रिसाइटेड ऑस्पिशियस हिम्स, किसी ने उनके ऊपर कोई रस्सी बांध दी कि भाई इसकी रक्षा हो, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, या किसी ने कोई स्तुतियाँ गानी शुरू की जो मंगलकारी थी। समन एल्स प्रिंकल चरणामृत, किसी ने उनके ऊपर चरणामृत का छिड़काव किया। समन सेड दिस चाइल्ड हैज रिसीव्ड अ न्यू लाइफ, किसी ने कहा इस बच्चे ने नए प्राण प्राप्त किए हैं। एंड समवन से कोई कहता है दैट वाज अ स्पेशल स्नेक एंड देयरफॉर इट डिड नॉट बाइट हिम, और किसी ने कहा कि ये तो खास सर्प था इसलिए उसने उसको डसा नहीं। लॉर्ड गौर चंद्र ग्लांस्ड ऑन एवरीवन प्रेजेंट एंड स्माइल, महाप्रभु सब पे अपनी दृष्टि डाल रहे थे और मुस्करा रहे थे। ही ट्राइड अगेन अगेन टू कैद, से बार बार उस सर को पकड़ने का प्रयास करते हैं, बट दे रिपीटली स्टॉपिंग, उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया। Whoever hear this confidential topic with devotion will never be bitten by the snake of material existence. तो कहते हैं जो इन गोपनीय लीला को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें विषय रूपी सर्प नहीं डस सकता, यानी संसार में उसकी आसक्ति नहीं हो सकती, विषय रूपी सर्प उसको नहीं डसेगा, उसका मन प्रभु में लग जाएगा। प्रभु में मन लगाने के लिए सबसे बड़ी दवाई हरि कथा, क्योंकि जितना कथा आपका मन प्रभु में लगा सकती है उतना कोई तरीके नहीं। और कथा सुनने से जब नाम जप होता है वो नाम जप बहुत बढ़िया होता है, कि कथा सुन रहे हो, नाम जप करो, सुनने के बाद भी एक दो घंटे उसका चिंतन बना रहता है, तो सबसे उत्तम नाम जप यही होता है कि कथा के साथ करने में। इन दिस वे श्री सच्चिदानंद इवेंचुअली बिगन वॉकिंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस, इस प्रकार वो आलिंगन में घूमते रहे। द लॉर्ड ब्यूटिफुल फॉर्म डिफीटेड द ब्यूटी ऑफ मिलियंस ऑफ क्यूपिड, भगवान के सुंदर रूप ने इतने थे कि करोड़ों कामदेव भी उनके आगे तुच्छ लगते थे। इंडी इवन द मून डिजायर टू सी फेर, चंद्रमा के अंदर इच्छा है प्रभु के मुख को देखने की, प्रभु का मुख चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर था और शीतलता प्रदान के जो उनके मुख को सुख शांति मिलती थी। द लॉर्ड हेड वॉज डेकोरेटेड विथ कर्लिंग लॉक्स ऑफ हेयर, द लॉर्ड हेड वॉज डेकोरेटेड विथ कर्लिंग लॉक्स ऑफ, उनके सिर में घुंघराले बाल थे। And with the lotus eyes he looked just like Gopal, और अपने कमल की तरह जो आँखें थी बिल्कुल गोपाल दिखते थे, क्योंकि कृष्ण जी का बाल रूप पड़े ये तो बिल्कुल सेम दिखाई देगा, वही वर्णन आता है। The Lord's hands reached to his knees, भगवान की जो भुजा घुटनों तक थी। His hips lips were reddish, उनके होठ लाल थे। His chest was broad, उनकी छाती चौड़ी थी। And he was decorated with all other auspicious symptom, और उनके शरीर में और भी मंगलकारी चिन्ह थे। The enchanting golden body of the Lord resembled the color of rising sun,
तब भगवान का जो स्वयं का शरीर था ऐसे लगता कि उगता हुआ सूरज है, चमकता और लाल, उनका शरीर इस प्रकार का था। एंड इस फिंगर हैंड एंड लोटस फीट वर ऑल ब्यूटिफुली फॉर्म, उनके जो उंगलियां थी, हाथ और पैर थे, उनका आकार था बहुत सुंदर था। एज द लॉर्ड वॉक्ड अराउंड जस्ट लाइक अ यंग चाइल्ड, जैसे प्रभु घूमते थे जवान बच्चे की तरह। हिज मदर बिकेम फ्रेटिंग थिंकिंग दैट इज रेडिश फीट वर ब्लीडिंग, उनकी माँ चिंतित हो रही उनके पैसे खून तो नहीं आ रहा, लेकिन लाल चंद पैर थे ना, पैर के नीचे कैसा ऐसा कि खून बह रहा होगा ऐसा लग रहा था। Seeing this, सच्ची माता एंड जगन्नाथ मिश्रा बिकेम ग्रेटली अस्टोनिश, ये देख के सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा आश्चर्यचकित हो गए। ऑल्दो देवर पुअर देवर ऑलवेज जॉयफुल, गरीब होते भी हमेशा आनंदित थे। भैया जिसके घर में प्रभु आए उसके जीवन में आए वो हमेशा सुखी रहेगा, जिसके जीवन में हरिनाम है वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि निरंतर हरिनाम करना हरिनाम पर निर्भर है। और क्या चीज़ है हरिनाम पर निर्भर, तो हरिनाम की जिम्मेवारी, हरिनाम प्रभु से अभिन्न है तो प्रभु की जिम्मेवारी आपका जो जीवन की गाड़ी चलाना, फिर आप क्यों चिंता करो। क्योंकि हम निरंतर हरिनाम नहीं करते हैं और हमको निष्ठा नहीं है, इसलिए हम टेंशन लेते क्या होएगा, ऐसा होएगा, क्या होएगा, होएगा। अभी आज तक जो है आपके अधीन था, चाहे अच्छा हुआ चाहे कई बार विपत्तियाँ भी आई, आपकी इच्छा से आई, आपकी इच्छा से अच्छा अपने आप होता गया, तब भगवान ने सारी योजना बनाई आपकी, आप उनके अधीन हो, आप हरिनाम को अपने आप जो होगा अच्छा ही होगा। व्यर्थ का चिंतन करके दिमाग खराब करने के बजाय भगवान का चिंतन करिए, व्यर्थ की चिंता लेके कुछ मिलने वाले, चिंतन करने से कृपा मिलेगी, अंतकरण शुद्ध होगा। इसलिए कहते ना कि लोग कैसे ठीक होते हैं, हम जब हरिनाम करने से डायबिटीज ठीक होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, लोग कहते हैं ना हमको, कई लोग हम ठीक हो गए एक साल दो साल में, कैसे ठीक होते हैं, क्योंकि निरंतर जाप करते हैं ना। पहले वो बहुत सोचते थे अपने सिर पे लेके मैं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, जब जाप करना शुरू किया बढ़ता भगवान पर निर्भरता बढ़ती गई, तो जब भगवान पर निर्भर होना शुरू किया तो चिंता अपने आप खत्म होती गई, और जब चिंता तो फिर अपना बीमारी ने दूर होना ही होना है, क्योंकि सारी बीमारी जो चिंता से लगी जुड़ी हुई होती है, और चिंता जो मन से जुड़ा हुआ है। तो अधिक हरिनाम हरी कथा से मन भगवान में जब लग जाता है तो चिंता खत्म हो जाती है, फिर भगवान अपने आप सबको ठीक कर देते हैं और इंसान का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। वन डे एज दे सैट ऑन इन सिक्लूजन दे विस्पर टू ईच अदर, एक दिन वो एकांत में बैठे और एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। सम ग्रेट पर्सनैलिटी हैज टेकन बर्थ इन अ फैमिली, हमारे घर में कोई महापुरुष है ऐसे लग रहा है। Since such qualified person has taken birth in our, ऐसे कोई योग्य मनुष्य हमारे घर में जन्म लिया है, perhaps a material distress will come to, हमारे भौतिक जो दुख है वो खत्म हो जाएंगे। अभी दुख क्या, जन्म बुढ़ापा रोग और मृत्यु, यही दुख है। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु का, क्योंकि जन्मते समय बहुत पीड़ा होती है। घर के अंदर कपिल मुनि ने अपनी माँ को समझाया भागवत में पढ़ लीजिए, और मृत्यु के समय बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, 42,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है, यमदूत के दर्शन होते हैं, मल मूत्र हो जाता है, इंसान घबरा जाता है, बहुत दुखी होकर मरता है। लेकिन जैसे हरिनाम लिया हुआ है, हरिनाम करता है और भगवान का स्पर्श, उसको विष्णु दूत लेने आते हैं, वो अपने प्राण को इतनी आसानी से छोड़ता है जैसे हाथी के गले में फूलों का हार पड़ा हो, पता नहीं चलता ना उसका कोई बल मूत्र, ना घबराहट होती, ना कुछ होता है, उल्टा भक्त उत्साहित होता है, कहते हे प्रभु इस शरीर को छुड़ा, इस शरीर को रख के मैं क्या करूँगा, जिस शरीर से तेरी सेवा नहीं हो रही मुझे नया शरीर दिव्य शरीर, ताकि तेरे धाम में आके तेरी सेवा करूँ मैं। हम क्या बोलते हैं, शरीर बचा के मैं मरना चाहता हूँ मुझे बचाओ, लेकिन भक्त बोलते हैं शरीर को रखे मैं क्या करूँ जिससे तेरी सेवा ना हो, मुझे शरीर छुड़ा, मुझे चिन्मय शरीर दे ताकि तेरे धाम में आके मैं तेरी सेवा कर सकूँ। ये उसको उत्साह रहता है, कहते रोगी हो गया, बूढ़ा हो गया, सेवा तो कुछ हो नहीं रही, भगवान के नाम भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहते मैं क्या करूँ शरीर को रखे, वो प्रभु से प्रार्थना करता है और वो प्रभु का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है और चिन्मय शरीर प्राप्त करके धाम में चले जाता है। ये हमारी होनी चाहिए मनोवृत्ति मृत्यु के समय। प्रभु के पास जाने की लालसा,
क्योंकि जीवन में भजन किया ना तो मृत्यु के समय वही चीज आंखों के सामने के जो किया है बचपन से लेकर मृत्यु जो भी आपके कर्म किया है एक रील की तरह सामने चलते हैं। इंसान वो देख के घबराते मैं इतने गंदे काम के परिणाम मैं नर्क में जाऊंगा, सामने यमदूत खड़े हैं और मुझे नर्क में ले जाने के लिए खड़े हैं, वो देख के घबरा जाता है। लेकिन जब जिन जीवन में हरि नाम किया हरि कथा की है सुनी है तो स्वाभाविक है तो यमदूत आएंगे नहीं, कंठी काफी गले में तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कंठी है तो विष्णु दूत ही आएंगे तो उसको देख के वो आनंदित होता है, वो चाहता है कि मैं निकल जाऊँ इस शरीर से, मुझे अच्छी जगह पे जाऊँ, मैं इस जगह पे क्यों रहूँ। अगर प्रभु मुझे अपने धाम नहीं भी लेके जाना चाहते हैं मुझे उधर ले जाए जहाँ पे उनके शुद्ध भक्त होते हैं, मुझे अब उनका सत्संग मिलता रहे और कथा सुनने को मिलती रहे और प्रभु की सेवा मिलती रहे, प्रभु की विस्मृति ना हो यानी उसको कहीं मैं भूलूँ ना, जिधर भी भेजना चाहे मेरे शरीर से जो आप काम लेना चाहे आप ले सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, बस एक शर्त है कि मैं आपको किधर भी भूलूँ ना, आपका निरंतर स्मरण बना रहे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये भक्के कॉन्शियसनेस होती है मन की स्थिति। वी हैव नेवर बिफोर हर्ड ऑफ सच बिहेवियर इन अ चाइल्ड, हमने पहले ऐसा व्यवहार किसी बच्चे में कभी देखा नहीं। He continuously dances and smiles upon hearing the sound of the holy name, वो लगातार नृत्य करता हंसता है केवल हरि नाम सुनने मात्र से। कितनी बड़ी बात है यार, इसलिए ग्रंथ पढ़ने जरूरी है, हरि नाम करने की प्रेरणा मिलती है प्रभु के प्रसन्नता का कारण। कैसे प्रसन्न करो, हरि नाम के द्वारा। सेम वेदव्यास कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर के रूप में कि हरि नाम से प्रभु प्रसन्न होते हैं, हरे कृष्ण का जा। और कौन से शास्त्र में इतना क्लियरली लिखा जितना चैतन्य भागवत में लिखा। Whenever he is cried, he is not pacified until he hears the loud chanting of the name of Hari. वो जब भी वो रोता है उसको चैन नहीं मिलता जब तक हरि नाम नहीं सुनता है, यानी हरि नाम सुनते ही प्रभु को चैन मिला, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जीव निकले, हम नलायक लोग नहीं निकलना चाहते ना, इसलिए प्रभु हम क्या करते हैं जोते मारते हैं विपत्तियाँ डालते हैं, उथल पुथल जीवन में आते हैं, बैठे बैठे घर में कला हो गया, बैठे बैठे ऑफिस में कला हो गया, जीवन में रोग आ गया, क्यों? क्योंकि मन तेरा ओबे संसार से मेरे मन लगा तो नाम जप कर, क्योंकि थोड़ी अनुकूलता देता हो तेरा भजन ढीला पड़ जाता है, तुम रिश्तेदारों में फंस जाते हो दोस्तों में फंस जाते हो तो तुम इतने नलायक हो तो मैं क्या करूँ, ये मेरी कृपा है कि तुम मैं विपत्तियाँ दे रहा हूँ ताकि तुम मन ऊब जाए बिल्कुल संसार से, और जब ऊब जाएगा तुम मेरे ही आश्रय का, अब मैं ही चाहता हूँ मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ, इसलिए ईमानदारी से तुम आते तो नहीं हो तो क्या करो, मुझे देना पड़ता है कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, ठीक है। ईमानदारी से नहीं करें हम लोग भजन, हम लोग फिर संसार में थोड़ा थोड़ा जाते हैं और जब जब आप जाओगे आपको जूते ही पड़ने हैं, ये भाई याद रखो। और जिनको नहीं पढ़ रहे तो समझो उन पर भी कृपा नहीं, उनका भी संसार में रहना है लंबे समय, अगले जन्म उसके बाद का जन्म पता नहीं कितने जन्म उनको व्यतीत करना है, हमें नहीं पता उन्हें बहुत समय व्यतीत करना भी, तो उनका बढ़ता रहेगा। व्हेनेवर ही क्राई ही इज नॉट पैसिव अंटिल ही हियर द लॉर्ड चैंटिंग ऑफ नेम द हरि। In the morning, all the ladies would gather around the child and perform sankirtan. यानी सवेरे क्या होते थे, सभी स्त्री इकट्ठी होती थी और बच्चे के आसपास और क्या करती थी, संकीर्तन यानी हरि नाम कीर्तन करती थी। हमको भी यही करना है, मंगल आरती क्या हरि नाम कीर्तन, मंगल दोपहर की शाम की क्या हरि नाम कीर्तन, सब कुछ हरि नाम के अंदर है, भोग मिला हरि नाम के द्वारा भोग लगो और कुछ नहीं है, इससे सारे मंत्र सारे कुछ इसके अंदर समाया हुआ है, ऐसी कोई चीज जो हरि नाम से बारे सारे मंत्र ओम से ओम राम नाम से निकला है और राम नाम कृष्ण नाम में समाये, हरि नाम करने माते सारे मंत्र का जाप हो गया, कुछ चिंता करने के जोत नहीं आता मत है, केवल हरि नाम करते जाइए, क्योंकि प्रभु ने ये नहीं देखना कि मंत्र जपने की कुशलता कितनी है, वो देख रहे कितना प्रेम उत्पन्न है, और कृष्ण नाम को तो पारक मंत्र कहा गया जो प्रेम, और ये प्रेम प्रदान प्रभु ने आपके प्रेम को स्वीकार करना है वस्तु को नहीं, सब कुछ आते हैं बड़े बड़े श्लोक आते हैं लेकिन प्रेम ही नहीं है अंदर तो किसी काम का नहीं, कुछ नहीं आया केवल प्रेम उत्पन्न हृदय में उत्पन्न हुए नाम के द्वारा, वही सब कुछ पर्याप्त है।
as they clapped their hand and chanted the names of Hari, वो ताले मत हरिनाम का उच्चारण करते थे. गौर सुंदर वुड एंथुजियास्टिकली डांस. गौर सुंदर क्या करते, नृत्य करना शुरू कर देते थे. द लॉर्ड वुड बिकम कवर्ड विद डस्ट एज ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड. प्रभु जब लोटपोट होते थे जमीन पे, तो अपने आप को मिट्टी से भर देते थे. एंड देन ही वुड स्माइल एंड क्लैम्प ऑन द लैप ऑफ मदर. और तब माँ की गोद में वो आ जाते थे, बिल्कुल कृष्ण लीला जैसी लीला करे हैं. कृष्ण लीला में क्यों वो मिट्टी में अपने को लोटपोट करते थे, क्यों लगाते थे? मिट्टी तो छोड़ो, कीचड़ में माँ ने लाके आती थी, जमुना जी में स्नान कराती, फिर कीचड़ में लग जाते थे. माँ ने तो क्रोध में कह दिया, तो लगता है कोई पूर्व जन्म में तूने कुछ तो स्वर होएगा, तभी तेरे को कीचड़ अच्छा लगता है. पर वो तो माँ का मुख देख के हंस रहे, हाँ मैंने तो स्वर उतार लिया था. वो तो चले एक अलग भाव है, लेकिन एक्चुअल भाव क्या है? प्रभु को व्रत की रज इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है. कहते जब मैं रिज लेता शरीर में लगाता हूँ, तब क्या होता है कि जब मैं चलता ना, वो रिज शरीर से निकल जाती है. मिट्टी जब चलोगे तो शरीर से निकलेगी रज, लेकिन जब वो कीचड़ बन जाती तो वो शरीर से चिपक जाती है. मैं चाहता हूँ वो रज जो जिसमें राधा रानी चली, गोपियाँ चली, वो मेरे शरीर से चिपकी रहे, मुझसे दूर ना हो, इसलिए वो कीचड़ तो मैं लगाता हूँ, अपने शरीर से लगाता हूँ. समझे ना? ये मत सोचना वो कीचड़ लग गया, ये भी कृपा ही है. वो रज आपके ऊपर लग गई है, वो आपसे निकलना चाहती है. परेशानी होना, कभी कीचड़ लग गया, रज मिट्टी आ गई तो रज ही तो चाहिए, वही तो हमारा कल्याण करेगी. उसी के अंदर प्रेम है गोपियों का, उसी में राधारण चलिए, वो आपको सब कुछ प्रदान करेगी. रियल भाव तो ये है. इससे कृष्ण जी बार बार कीचड़ में जाते रहे, क्योंकि वो मेरे शरीर से चिपके रहे, मेरे वस्त्रों से चिपके रहे. वो रज मुझसे दूर ना हो, सूख जाएगी तो फिर दूर हो जाएगी, गिर जाएगी शरीर से, गिली रहेगी तो चिपकी रहेगी, बस वो रज चिपकी रहे मेरे शरीर से. इतनी ब्रज की रज की महिमा है. एवरीवन फेल इन कंपेरेबल हैप्पीनेस ऑन सीइंग द वेरियस पास्ट टाइम पोस्टर्स दैट गौर सुंदर एग्जिबिटेड एज ए डांस. सभी लोग को अनंत सुख की प्राप्ति होती थी. वो भिन्न भिन्न जो रूप दिखाते थे, कैसे खड़े होना और ये करना, कि जब वो नृत्य करते हैं सभी लोग उनके प्रति आकर्षित होते. इसको मैं विश्राम करता हूँ. अब हम याम कीर्तन करेंगे, कथा कल कंटिन्यू होगी, उनकी बालीला को हम आगे पढ़ेंगे. वांछा कल्पत्रु भैश्च कृपा सिंधु भय एवच पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.